रिएक्ट में स्टेट क्या चीज़ होती है? कौन मुझे ये बताएगा कि अंग्रेजी में स्टेट किस चीज़ को कहते हैं? व्हाट डज इट मीन? इस वक्त हालत क्या है? अच्छा, स्टेट भी जो होता है ना, बाय द वे, वो वाला जो स्टेट होता है, यूनाइटेड स्टेट, वो भी असल में, मतलब आप अगर डिग डाउन करेंगे ना, वो इधर आता है, वो भी कि हालत क्या है अभी. हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, तो वो कोई भी स्टेट होती है ना अगर, वो तो वो भी एक हालत होती है. ठीक है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इस वक्त एक स्टेट है, तो ये स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली कि हम पाकिस्तानी हैं इस वक्त. ये स्टेट चेंज भी हो जाता है भाई, एक बर्रे सगीर हुआ करता था, वो चेंज हो गया. ठीक है, तो स्टेट जो है वो डिवाइड भी हो जाती है ना, फिर वो दो अलग अलग स्टेट हो जाती है एक सिंगल स्टेट की जगह. वेल, तो वो भी डिग डाउन में ना, इंटरनली मतलब उसका यही है. तो स्टेट जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी जो हालत होती है उसको कहते हैं. अच्छा, स्टेट के बारे में एक चीज़ समझ लो कि स्टेट टेम्प्रोरी होता है. सही है, स्टेट चेंज, जैसे आप कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड कि इस वक्त अभी दिमागी हालत क्या है, गुस्से में हो सकता है बंदा, खुश हो सकता है, अफसुरदा हो सकता है, एक्साइटेड हो सकता है, अलग अलग मॉड्स हैं. ठीक है, तो ये जो कहते हैं ना मूड, असल में वो मूड नहीं होता, मॉड होता है, मॉड से निकला गया. स्टेट में इस वक्त दिमाग का मॉड कौन सा मॉड है, हैप्पी हैप्पी मॉड है या क्या है, या मूड भी कह सकते हैं उसको. तो वो हमने क्या देखा कि स्टेट जो है वो क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है, स्टेट चेंज हो सकता है वक्त के साथ साथ. अच्छा, एक वक्त में स्टेट एक ही होगा, दो नहीं हो सकते. स्टेट एक वक्त में एक होगा, मिसाल के तौर पे अगर एक पानी की एक स्टेट है अगर, तो वो करंट स्टेट में या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा. ठीक है, लेकिन क्या होगा, वो वंस वो लिक्विड से सॉलिड में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सॉलिड रहेगा, वो वापस लिक्विड में भी जा सकता है या वापस गैस में भी जा सकता है. तो वो स्टेट जो है वो क्या होती है, चेंज होती है, टेम्प्रोरी होती है, और एक वक्त में एक होती है. अच्छा, टेक्निकली ना प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेट कहते हैं वेरिएबल को. ठीक है, इन जनरल स्टेट जो है वो वेरिएबल को कहते हैं. वेरिएबल के अंदर ना ये सारी चीज़ें ट्रू हैं. वेरिएबल में एक वक्त में एक वैल्यू होती है, दो नहीं हो सकती. और वो वैल्यू वेरिएबल का मतलब है कि वेरी करेगा, चेंज हो जाएगा. तो स्टेट और वेरिएबल असल में एक ही चीज़ है. तो रिएक्ट में इसको स्टेट स्टेट बोलते हैं, लेकिन इन जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल को स्टेट कह सकते हैं आप. ठीक है, इसी तरह सर्वर जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था स्टेट लेस, ये हमने डिस्कस किया था ना REST API के प्रिंसिपल्स पढ़ते हुए, कि स्टेट लेस क्या चीज़. तो उसमें भी असल में स्टेट वो वेरिएबल को कह रहा था कि कोई वेरिएबल सर्वर के अंदर नहीं बनना चाहिए. ठीक है, सर्वर में रिक्वेस्ट जो आनी है वो रिक्वेस्ट के साथ आए, और जब जाए तो सारा गेम ख़त्म हो जाए यहाँ से. ठीक है, कुछ छोड़ के ना जाए इधर, अगर कुछ छोड़ना है, कुछ सेव कराना है, तो वो डेटाबेस में सेव करेगा. तो ये कॉन्सेप्ट स्टेट लेस था. तो स्टेट असल में वेरिएबल को कहते हैं. अच्छा, अब रिएक्ट के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो नॉर्मल वेरिएबल तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है. अच्छा, मैं एक रिएक्ट की एक नई ऐप भी बना लेता हूँ ना, जिसमें मैं क्या कह देता हूँ नाम उसका, मैं उसका नाम कह देता हूँ स्टेट होगा. कैसे बनाते हैं हम इसके अंदर एक नई ऐप, कोई बता सकता है? npx create dash react dash app space. सारा काम index.html में कराएंगे या Node.js? अभी तो नई ऐप बना रहे हैं ना, नई वाली किसमें पढ़ेंगे, index करना है अभी करते हैं, अभी रुक जाओ, सबर करो. क्या आपने मार्को उसमें पढ़ाई थी ना app.js? नहीं नहीं, वो तो असल में हेलो वर्ल्ड था ना, इस वजह से उसमें इंडेक्स में पढ़ा दिया था. वो तो जाहिर है ऑब्वियसली अभी जो प्रॉपर जो इनका बॉयलर प्लेट है उसमें एक इन्होंने उसको क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, फोल्डर्स की एक खास ऑर्गेनाइजेशन है. तो हम उसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि सिर्फ इंडेक्स डॉट जी एस में तो कुछ नहीं बन सकता ना यार, काउंटर ऐप बनेगी बस, प्लस माइनस हो रहा होगा. क्योंकि अगर मेरे पास, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि जितने अभी पेजेस होंगे मेरे पास, एटलीस्ट एक पेज एक कंपोनेंट तो होगा ना,
ठीक है, एक पेज वैसे 10-12 कंपोनेंट पे भी मुश्तमिल हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा है कि एक फेसबुक की एक पोस्ट है दैट इज़ वन कंपोनेंट, तो जिस पेज पे वो लगा हुआ है दैट इज़ अनदर कंपोनेंट, तो इतने सारे कंपोनेंट जब होंगे तो उसको जाहिर है अलग अलग पेजेस पे बने हुए होंगे, वो अलग अलग फाइल्स होंगी उसकी, तो वो सारा इंडेक्स डॉट जेएस में पॉसिबल नहीं है करना। तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, उसकी जो जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर उसका बनना चाहिए वो तो हमें शुरू से ही पता हो, थोड़ा सा आइडिया हो उसका। ठीक है जी, ये बन के तैयार हो चुका है, स्टेट के नाम से मैंने ये बना दिया है। ठीक है, और इसकी हायरार्की को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं लगे हाथों। आप इसमें जब जाएंगे तो आप देखें कि इंडेक्स डॉट जे एस ही असल में मेन फाइल है, इंडेक्स डॉट जे एस ही असल में मेन फाइल है जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडेक्स डॉट जे एस से कहानी शुरू होती है, और ये कहानी शुरू होने के बाद कहाँ पहुँचती है वो ज़रा देखते हैं। देखो यहाँ पे ना एक सी एस एस भी इम्पोर्ट हुई हुई है, इंडेक्स डॉट सी एस एस, आपको पता है ये सी एस एस इस फाइल के साथ है। अच्छा, कंपोनेंट जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था ना कि किसी भी बड़ी मशीन का एक छोटा वर्किंग पार्ट, तो छोटे वर्किंग पार्ट का मतलब ये है कि हर कंपोनेंट की सी एस एस और जावास्क्रिप्ट, और जो तीन चीज़ें होती हैं ना, एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, वो एक जगह होगी, हर कंपोनेंट की एक ही जगह होगी। तो इसी वजह से देखो जहाँ जहाँ तुम्हें ये कंपोनेंट नज़र आएगा ना उसकी सी एस एस उसके साथ ही बनी होगी। तो ये ऐप का कंपोनेंट, वो सॉरी इंडेक्स डॉट जे एस की ये फाइल है, इसमें जो डायरेक्ट पहली ही लाइन में इसने क्या लिखा है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट नॉट, वो जाहिर है वो लाइन इन्होंने चेंज की ना, डॉट रेंडर डायरेक्ट होता था पहले, वो इस तरह से होता है, और इसने कहा भाई रूट डॉट रेंडर, और उसके अंदर ये एक कंपोनेंट लिखा है, व्हाट इज़ दिस कंपोनेंट एंड वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। ये कंपोनेंट ये देखो यहाँ से इम्पोर्ट हुआ है, ये कंपोनेंट है ना, सब लोग एग्री कर रहे हैं ना इससे, हमने जो हेलो वर्ल्ड बनाया था उसको ऐसे ही रेंडर किया था, तो ये एक कंपोनेंट है एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर, ये कहीं दूसरी फाइल से इंपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमने दो फाइलें तो समझ ली, इंडेक्स डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट सी एस, ये दोनों फाइल्स कवर हो गई। अब कहानी पहुँची है ऐप डॉट जे एस में, जहाँ से वो आ रहा है जो मेरा मेन कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे वो सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है सारी, ठीक है, एक इमेज है, एक पैराग्राफ है, एक एंकर टैग है, और यहाँ से ये एक्सपोर्ट हुआ है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अब बकाया का सारा काम जो भी हम करेंगे वो अब इधर करा करेंगे। अच्छा, इधर करने से बेनिफिट क्या होगा, मेरा जो इंडेक्स की फाइल है ना, इंडेक्स की फाइल में करने वाले जो काम है वो 1000 अलग हैं। ठीक है, तो वो हम वहाँ पे किया करेंगे, और यहाँ पे हम ये वाला काम करेंगे जो कंपोनेंट हम खुद का बना रहे होंगे। ठीक है, उससे क्या होता है मेरी जो इंडेक्स की जो फाइल है वो थोड़ी सी क्लीन रहेगी। अब इंडेक्स में करने वाले कौन से काम हैं ये अभी फ़िलहाल रेलिवेंट नहीं है, ये जब आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये मैं सारा कुछ इसमें से मिटा देता हूँ जो भी लिखा हुआ था इसमें, और मैं कहता हूँ एक डिव, अच्छा इसको मैं ऐप डॉट जे एस एक्स बना देता हूँ ताकि मुझे ये सजेशंस देना शुरू करें। ठीक है, और डिव में मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख दिया। अब ये हेलो वर्ल्ड जो है वो क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। npm start enter, अब ये मेरे पास स्क्रीन पे प्रिंट यहाँ पे हो जाना चाहिए। ये तो पहले वाला अभी खुला हुआ है, वो कंपाइल हो रहा है अभी। ठीक है जी, तो ये हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ गया, इसका मतलब है ये ऐप बिल्कुल सही चल रही है। तो हमने क्या देख लिया कि ऐप डॉट जे एस में बाकी का काम आप क्या करेंगे। अच्छा, जे एस या जे एस एक्स इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ जे एस लिखा हुआ है तो उसमें सजेशंस वगैरह मुझे नहीं मिल रही हैं, और वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मेरा जो वी एस कोड का एडिटर है वो ये समझ रहा है कि ये प्लेन जावा स्क्रिप्ट की फाइल है। तो जस्ट मेरे वी एस कोड के एडिटर को ये बात समझाने के लिए कि ये प्लेन जावा स्क्रिप्ट की फाइल नहीं है, ये जे एस एक्स की फाइल है, उसमें हम जे एस एक्स लिखते हैं। ठीक है, अगर आप जे एस एक्स ना लिखें तो भी आपका कोड बिल्कुल उसी तरह चलेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा उसमें। ठीक है, और जे एस एक्स लगा दें तो भी वही है, तो जे एस और जे एस एक्स में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ऑन अदर हैंड जो हमने सर्वर में एक चीज़ पढ़ी थी डॉट जे एस और डॉट एम जे एस, दैट वॉज टू डिफरेंट थिंग। एम जे एस में जो कोड लिखा जाता है वो जे एस में नहीं लिख सकते आप। ठीक है, मॉड्यूल वाला जो नया वाला कोड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड एवरीथिंग, तो वो उसके लिए एम जे एस जो बनाते थे वो दैट वॉज अ डिफरेंट, बट ये वो चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है ये दोनों। ठीक है, आप जे एस लिखते हैं या जे एस एक्स लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं है इसमें, जस्ट आपका जो वी एस कोड का एडिटर है, मे बी कोई कोड एडिटर ऐसा हो जिसको बगैर जे एस एक्स लिखे भी समझ आ जाता हो कि ये रिएक्ट की फाइल है, मे बी। ठीक है, लेकिन फिलहाल वी एस कोड में ऐसा ही है। अच्छा, तो अब मैं बात हमारी चल रही थी स्टेट की बात चल रही थी,
तो अब मैं आके इसमें क्या करता हूँ, एक अदद वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने कहा लेट माई नम इक्वल्स टू 5, ठीक है, माई नम इक्वल्स टू 5। ये एक स्टेट वेरिएबल, स्टेट ही होता है वेरिएबल, लेकिन असल में जो रिएक्ट में जिस स्टेट की बात हो रही है ना, ये वो वाला नहीं है, ये एक प्लेन जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल में फ़र्क पता चले कि रिएक्ट का जो स्टेट वेरिएबल है उसमें और एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में फ़र्क क्या है, और हम रिएक्ट के अंदर स्टेट वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, और मैंने क्या किया, यहाँ पे आके इसको दिखा दिया माइनम, सही है। अब क्या होगा, जब ये मेरा कोड रन होगा तो हेलो वर्ल्ड के साथ ये माइनम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया बिल्कुल लिखा हुआ। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे आके ना एक अदद बटन बना दिया, इसको मैं क्या कर देता हूँ पैराग्राफ के कंपोनेंट में पैक कर देता हूँ, सही है, ये एक डिप है, इसके नीचे एक बटन है। मैंने कहा भाई क्लिक प्लस, ठीक है, इस बटन का नाम मैंने प्लस रख दिया, तो कुछ इस तरह का दिखने लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस प्लस पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये 5 क्या हो जाना शुरू हो जाए, इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाए, तो मैं क्या कहूँगा, ऑन क्लिक, और मैं फंक्शन का नाम दूंगा इसमें को, ऑब्वियसली फंक्शन भी यहाँ बना देता हूँ मैं। मैंने कहा लेट एड या प्लस ही रख देता हूँ इसका भी नाम मैं, सही है, प्लस। अब ये क्या करेगा, माई नम में प्लस प्लस कर देगा ये, ठीक है, अब प्लस प्लस कर दो या प्लस 1 एक्स वाई जेड, चलो प्री इंक्रीमेंट लगा देता हूँ, ठीक है, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो मैंने ये प्लस प्लस लगा दिया और मैंने यहाँ पे आके ऑन क्लिक पे बोला प्लस। अच्छा, रिएक्ट के अंदर यहाँ पे आप कॉल सिग्नेचर नहीं लगाते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, ये आगे इस आर्टिकल में जिक्र भी है इसका, कि रिएक्ट में आपने कॉल सिग्नेचर नहीं लगाना ऑन क्लिक के ऊपर। अब ये मैंने लगा दिया प्लस, ये असल में एज अ पैरामीटर ही पास हो रहा है, नहीं हाँ तो फिर वो किस तरीके से होगा, हाँ अब वो कैसे होगा वो हम देखेंगे, वो हम देखेंगे कि वो कैसे होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका कि भाई ये प्लस तो मैंने कर दिया लेकिन इसमें कोई पैरामीटर देना है मुझे, फिर क्या करेंगे, तो फिर वो अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी अगर मैं बताऊँगा कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना, वो आगे अभी आएगा। अच्छा वेल, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, तुम्हारे सवाल से ये बात आई है, देखो दिस बटन इज़ नॉट HTML, ये हम पहली क्लास में हम क्लियर कर चुके थे अच्छी तरह कि दिस बटन इज़ अ कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट तो हम खुद बना रहे हैं, कुछ कंपोनेंट रिएक्ट में पहले से बन के रखे हैं, तो ये दिस इज़ वन ऑफ दोज कंपोनेंट्स जो पहले से बन के रखे हुए हैं, एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बिल्ट इन कंपोनेंट्स। रिएक्ट जब लोड होती है तो ये कंपोनेंट पहले से बने हुए होते हैं, दिस इज़ नॉट HTML। अच्छा तो फिर अगर ये कंपोनेंट है तो ये क्या हुआ, प्रॉप, तो ये प्रॉप है, सही है, और इसमें ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये किसी भी हाल में एट्रीब्यूट नहीं बन सकता, ये प्रॉप है। अच्छा बावजूद इसके कि प्रॉप जो होता है, जब प्रॉप पास करते हैं तो इट्स मोर लाइक एट्रीब्यूट, लेकिन एट्रीब्यूट है नहीं हो, सही है, एट्रीब्यूट है नहीं हो, ये प्रॉप है, इसको हमेशा आपने प्रॉप की नज़र से देखना है, तो जो काम प्रॉप में हो सकता है सारे वही काम इसमें भी होंगे। अच्छा वेल, तो मैंने इसको प्रॉप पास कर दिया कि भाई जब ऑन क्लिक हो तो ये फंक्शन चला देना है आपने, ठीक है, ठीक है, तो ये प्रॉप पास करते हुए मैंने इसको ये पास किया, कॉल इसको कौन करेगा, कंपोनेंट के अंदर खुद एक मैकेनिज्म होगा उससे ये कॉल होगा। वेल, तो मैंने क्या किया भाई, इसको यहाँ पे ये पास कर दिया। अब हो क्या, होना क्या चाहिए कि जब मैं ये बटन क्लिक करूँ तो ये 5 जो है वो प्लस हो जाए 6 हो जाए, तो नहीं हुआ, हाँ अब ये नहीं हुआ, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। एक तो सीन ये हो सकता है कि ये माइनम इसको यहाँ पे मिल ही ना रहा हो, लेकिन मिल रहा नहीं होता तो यहाँ पे पहली दफ़ा में डिस्प्ले नहीं होता, हो सकता है कि ये माइनम का फंक्शन इसको ना मिल रहा हो, तो मैं काम करता हूँ इसमें कॉन्सोल डॉट लॉग लगा लेता हूँ कि अगर ये चले तो पता चले कि हाँ यार चल रहा है,
और इसमें मैं माई नम को यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ। सही है, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि माई नम का क्या चक्कर है। रिफ्रेश कर दिया मैंने इसको और प्लस दबा रहा हूँ तो वो उधर इंक्रीज हो रहा है नंबर। अच्छा अब दोबारा इसको मैं कैसे प्रिंट करूँगा? रीलोड कर दिया है। रीलोड करने से तो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर फाइव से शुरू होगा। अब ये मसला है, नहीं एक वेरिएबल है जो सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, इस तरह करके ये कह रहे थे ना पहले चैप्टर में, वो पहले शुरू में आर्टिकल के, ऐसे करके कोई भी वेरिएबल डिस्प्ले करवा सकते हो आप, तो मैंने करवा दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि जब भी वो वेरिएबल चेंज होता है तो मेरे कंपोनेंट को ये बात पता नहीं चलती कि वो चेंज हो गया। ठीक है सर, अगर हम अभी तो यूज स्टेट की बात ही नहीं की, अभी सबर तो कर दो थोड़ा। अच्छा इसका बताओ ना क्या हल है अभी, तो यूज स्टेट को छोड़ो ना, इसको कैसे मैं अपडेट कराऊंगा स्क्रीन पर? हर क्लिक पे इंक्रीमेंट हो तो रहा है वेरिएबल, लेकिन इधर दिख नहीं रहा है, इधर मसला ये है दिख नहीं रहा। ठीक है तो हमें क्या चाहिए होगा, असल में देखो ये चलता कैसे, रिएक्ट का ना काम धंधा काम चलता कैसे वो समझ लो। रिएक्ट की ऐप ना एक दफ़ा रेंडर होती है, जो जो वेरिएबल जिस तरह से होते हैं ना उस तरह से वो उठाता है, और इस नाम एक्चुअली जब ये रन होती है ना ऐप तो ये हट जाता है यहाँ पे से और इसकी जगह फाइव आ जाता है ऐसे, तो ये वेरिएबल तो यहाँ है ही नहीं, ये तो फाइव है, तो ये चेंज कहाँ से होगा? अच्छा अब क्या होता है, रिएक्ट की जो ऐप है वो उसको मुझे री रेंडर करवाना होता है। अगर किसी भी वेरिएबल में कोई चेंज आया है तो रिएक्ट की जो पूरी ऐप है उसको मुझे री रेंडर करवाना होता है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि किसी भी तरह ना मैं इस लाइन को दोबारा रन करूँ, ये रूट डॉट रेंडर को खुद से, मैं अगर मैं खुद से इसको दोबारा रन करता हूँ ना तो अपडेटेड वेरिएबल मुझे दिख जाएगा। ठीक है लेकिन इसको खुद से चलाने के बजाय रिएक्ट वालों ने एक तरीका मुझे बताया है, मैं उस तरीके से करता हूँ। अच्छा तो आते हैं हम रिएक्ट का स्पेशलाइज्ड वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड यूज स्टेट। सही है। अच्छा यूज स्टेट जो है वो एक हुक है। हुक हम किस चीज़ को कहते हैं अभी वो भी हम देख लेते हैं, पहले तो हम ये बना लें। देखो आसान तरीका है, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के लिए कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, रिएक्ट के साथ है ये, रिएक्ट का बिल्ट इन समझ लो ये फंक्शन है। रिएक्ट के हुक्स जो है ना वो इट इज़ नॉट लाइक दैट के कितने हुक्स हैं, वो रिएक्ट के बहुत अनलिमिटेड हुक्स हैं। सही है, इसकी मैं अगर आपको मिसाल देने की कोशिश करूँ, चप्पल पहनते हो, कितनी कंपनीज चप्पल बनाती हैं, बहुत सारी हैं, नई भी खुल जाती हैं। तो इसी तरह रिएक्ट के जो हुक्स हैं ना वो कुछ तो बिल्ट इन उन्होंने बना कर दे दिए हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी भी वो हुक अपने तौर पे बना सकता है। ठीक है तो ये पहला हुक हम पढ़ रहे हैं, इसको पहले हुक की तरह लो फिलहाल के लिए। तो ये इसको इम्पोर्ट किया हमने यहाँ पर, और हम क्या करेंगे अब यहाँ पे आके कॉन्स्ट, ठीक है कोई भी नाम रखना चाहता हूँ मैं अपना, तो मैंने उसको कहा कि भाई डेटा कॉमा सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट जीरो। इसको भी मैं अंदर ले आता हूँ। अच्छा एक चीज़ याद रखो, ये वाली लाइन हमेशा कंपोनेंट के अंदर लिखनी ज़रूरी है मुझे, ये कंपोनेंट के बाहर लिखूँगा ये एरर दे देगा। ठीक है इसको तो मैंने खींच के अंदर, बल्कि इसको मैं बाहर ही कर देता हूँ यार, क्योंकि इसको अंदर लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसको मैं बाहर भी लिख सकता हूँ। सही है तो जो बाहर लिखा जा सकता है तो उसको मैंने बाहर ही रखा है, लेकिन ये वाली जो लाइन है इसको मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट के अंदर लिखूँगा हमेशा, इसको बाहर लिखूँगा ये एरर दे देगा। करते हैं बाहर। अच्छा अभी नहीं दे रहा लेकिन ये चलने में दे देगा एरर। अच्छा वेल एक नॉर्मल वेरिएबल को इनिशियलाइज इस तरह करते हैं, बनाते इस तरह, एक स्टेट वेरिएबल को बनाते इस तरह।
सही है। इस वेरिएबल का नाम मैंने रखा है डेटा, तो अब मैं इसको अगर डिस्प्ले करवाऊंगा तो मैं कैसे करवाऊंगा इसको, इस पूरी चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, एक डुप्लीकेट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई प्लेन वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल ठीक है। और ऑन क्लिक पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, प्लस की जगह मैं कह देता हूँ कि चेंज स्टेट, ठीक है। इस नाम का एक वेरिएबल मैं बना दूंगा, एक फंक्शन, ठीक है, इस नाम का एक मैं फंक्शन बना दूंगा, चेंज स्टेट, ठीक है। अभी चेंज स्टेट को हम कमेंट में रखते हैं कि वो चेंज स्टेट इस्तेमाल नहीं होगा अभी। अच्छा, तो मैंने कहा भाई कि ये मेरा जो है ना स्टेट वेरिएबल है, इसका नाम है डेटा, इसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है। अच्छा, तो ये डेटा के अंदर ज़ीरो है, इसका मतलब डेटा की इनिशियल वैल्यू ज़ीरो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, तो इस डेटा को मैं क्या करूँगा यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ज़ीरो डिस्प्ले हो जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो है, ठीक है, हो जाना चाहिए ना। अरे क्या हो गया भाई, क्या कर दिया मैंने इसके साथ, चेंज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, वो कह रहा है कि वो चेंज स्टेट का आपने जो नाम लिखा है ना वो मुझे मिल नहीं रहा, तो इसके अंदर का कोड कमेंट कर देते हैं, इस फंक्शन को डिक्लेयर रहने देते हैं, सही है, ताकि वो चले तो सही एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको बोला है कि चेंज स्टेट नाम होगा इसका क्लिक पे, तो ये कह रहा है कि चेंज स्टेट नाम का मुझे फंक्शन चाहिए। वेल, तो ये बिल्कुल उसी तरह से डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले कराने में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो स्टेट वेरिएबल हो या चाहे वो प्लेन वेरिएबल हो, ठीक है। अब ये एरर किस बात का यहाँ पे एक दे रहा है, अच्छा ये पुराने एरर दे रहा है, सही है, रिफ्रेश किया तो वो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, तो ये डिस्प्ले कराने में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ऑन अदर हैंड आप इस पे अगर और करेंगे तो ये काम क्या हो रहा है मुझे कौन बता सकता है, जावास्क्रिप्ट में ही हमने पढ़ा था, एरे और डी स्ट्रक्चर हो रहा है, सही है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ से मुझे क्या चीज़ मिलती है, एक एरे मिलता है जिसके दो इंडेक्सेस होते हैं, पहला इंडेक्स मैं इस वेरिएबल में उठाता हूँ, दूसरा इसमें उठाता हूँ। तो स्टेट वेरिएबल जो होता है, क्योंकि ये स्पेशलाइज किस्म का वेरिएबल है जो सिर्फ रिएक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसको रीड करने के लिए पहला वाला हिस्सा है, इसको चेंज करने के लिए दूसरा वाला हिस्सा है। अगर मैं बोलूँगा ना डेटा इक्वल्स टू समथिंग कुछ और, मैं बोलूँगा ना डेटा प्लस प्लस, ठीक है, तो ये वेरिएबल चेंज नहीं होगा। करके देखते हैं कि डेटा प्लस प्लस करने से क्या होता है। डेटा प्लस प्लस करने से यहाँ पे अगर तो ये प्लस होता है तो यहाँ दिख जाना चाहिए कि प्लस हो रहा है, सही है। आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको और प्लस दबा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। असाइनमेंट इज़ द कॉन्स्टेंट, अच्छा वो कॉन्स्ट रखा है ना मैंने उसको, तो इसलिए वो कॉन्स्ट कह रहा देते हैं। चलो थोड़ी देर लेट कर देते हैं, सही है, थोड़ी देर के लिए लेट कर देते हैं, आते हैं। मैंने प्लस किया इसको तो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं आ रही है, प्लस कर रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन असल में ये प्लस हो जाता है, समझ रहे हो, अगर मैं यहाँ कॉन्सोल करूँगा ना ये प्लस हो जाता है, ठीक है, नोट करना इसको, गौर से समझना, ये प्लस कर रहा हूँ ना, देखो वो प्लस हो जा रहा है लेकिन इधर नहीं डिस्प्ले हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट वेरिएबल जो है ना, हमें जो यहाँ से जाहिर है एक एरे मिलता है, दो पार्ट मिलते हैं, तो पहला जो होता है वो एक प्लेन नंबर होता है या प्लेन, उसको मैं एक वेरिएबल में उठा लेता हूँ, तो दिस डेटा इज जस्ट लाइक अ प्लेन वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं बना रहा हूँ ना, लेट करके मैं बना रहा हूँ। दूसरा वाला जो है ना, ये एक फंक्शन है, रिएक्ट वाले कहते हैं कि भाई इसको अगर आपने चेंज करना है ना तो आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। ये फंक्शन सिंपली क्या करता है, ये फंक्शन सिंपली ये करता है कि उस वेरिएबल को चेंज करता है और उसके बाद रिएक्ट के कंपोनेंट को री रेंडर करवा देता है। कैसे करवाता है वो उसका मसला है, लेकिन करवा देता है, ठीक है। तो हम कभी भी इसको इस तरह से प्लस नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। हम हमेशा इसको इस फंक्शन को कॉल करेंगे और वो क्या करेगा, उस वेरिएबल के जो भी आइटम था उसमें प्लस भी कर देगा और मुझे रिएक्ट के कंपोनेंट को री रेंडर भी करवा देगा। अच्छा,
तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया. अच्छा, इसको कॉपी करके मैं इसको कैसे करूँगा, ऐसे कॉल करूँगा. अच्छा, जो नॉर्मल वेरिएबल होता है उसको अगर मुझे चेंज करना होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू और कोई भी नई वैल्यू देता हूँ. पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, नई वैल्यू ऐड हो जाती है. तो इसमें मैं क्या करूँगा, सेट डेटा को कॉल करूँगा, इसमें कोई एक नई वैल्यू दूँगा. मिसाल के तौर पर मैंने कहा 5 दे दो इसको, तो पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, नई वैल्यू ऐड हो जाएगी. राइट, आ जाते हैं. अब रिफ्रेश किया इसको मैंने और इसको प्लस का बटन दबाया तो देखो 5 हो गया. अब दोबारा दबाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो हर दफ़ा फंक्शन कॉल पे मैंने क्या रखा हुआ कि 5 करना है. ठीक है, तो जब मैंने 5 बोला इसको तो इसने जो इनिशियल वैल्यू 0 थी इसकी, उसको हटा के 5 रख दिया और कंपोनेंट को री रेंडर भी कर दिया और उससे मुझे स्क्रीन पे वो नज़र आ गया. अब मुझे क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट में कन्वर्ट करना है कि भाई इंक्रीमेंट होता हुआ नज़र आए. तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा डेटा प्लस 1. ठीक है, तो डेटा में जो कुछ भी अभी है उसमें प्लस 1 करके एक नई वैल्यू सेट हो जाएगी. आगे देखते हैं जी क्या होता है. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया. सही है. ऑन अदर एंड अगर मैं इसको प्लस दबाता हूँ, ये इस वक्त क्या हो चुका है, 17 हो चुकी है इस वेरिएबल के अंदर, लेकिन ये मुझे स्क्रीन पे नज़र नहीं आता. 18 हो गया, एक और दबाया तो 18 हो गया. अब ज़रा सोच के बताओ कि अगर मैं इस वाले को एक दफ़ा प्लस दबाऊंगा तो क्या होगा. ये वाला तो 9 हो जाएगा. ये भी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल तो बढ़ रहा है पीछे, वो जैसे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा मुझे. तो जैसे ही मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, ये कंपोनेंट री रेंडर होगा. तो माई नम की जो भी करंट वैल्यू होगी वो मुझे दिख जाएगी. तो जैसे ही मैंने देखो प्लस दबाया ना तो वो ऊपर 18 भी हो गया. वो इंक्रीमेंट हो रहा था प्लेन वेरिएबल, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था. वो पीछे इंक्रीमेंट कर रहा था स्क्रीन पे, मुझे वैसे ही जैसे ही मैंने री रेंडर करवाया स्क्रीन पे मुझे दिख गया. तो एक प्लेन वेरिएबल और एक स्टेट वेरिएबल में मेन डिफरेंस क्या नज़र आया हमें, कि जब हम स्टेट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो वो कंपोनेंट को री रेंडर करवाता है लास्ट. इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है इसके अंदर. सही है. अच्छा, अब ये समझ लो कि हुक हम किस चीज़ को कहते हैं. रिएक्ट के जो हुक्स होते हैं हम उसको किस चीज़ को कहते हैं. रिएक्ट का हुक हमेशा कंपोनेंट से कनेक्टेड होता है, या तो उस हुक की वजह से कंपोनेंट री रेंडर होता है, या तो कंपोनेंट के री रेंडर होने पे वो हुक चल पड़ता है. ठीक है, यानी कंपोनेंट के रेंडरिंग से जो चीज़ कनेक्टेड है, जो हुकअप हुई हुई है, उसको हम कहते हैं हुक. जैसे कि यूज स्टेट, वो पहला हुक है जो हमने अभी पढ़ा है. यूज स्टेट को जैसे ही हम कॉल करते हैं तो डायरेक्ट उसका ताल्लुक है री रेंडरिंग से. तो ये हुकअप हुआ है, असल में मेरी स्क्रीन को रिफ्रेश करा देता है, मेरी स्क्रीन से मेरे कंपोनेंट से हुकअप हुआ है. इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हुक कहते हैं. अब जैसे जैसे हम अगले हुक्स पढ़ते जाएंगे ना, आप इसमें नोट कीजिएगा, हुक हम उस चीज़ को कहते हैं जिसका ताल्लुक मेन हमारे कंपोनेंट की री रेंडरिंग से होता है. तो या तो उस हुक की वजह से री रेंडर हो जाता है, जो ये वाला केस है, या तो री रेंडर होने पे वो हुक चल पड़ता है. ठीक है, जैसे यूज़ इफेक्ट हम जो अभी अगला पढ़ेंगे वो यूज़ इफेक्ट है. तो वो क्या होता है कि कंपोनेंट के री रेंडर होने से इफेक्ट चलता है, इफेक्ट का काम आगे बढ़ता है. सही है, तो वाइस वर्सा कोई एक चीज़ उसमें होगी जब ही उसको हम हुक कहेंगे, अदरवाइज हम उसको हुक नहीं कहेंगे. वेल, अब ज़रा हम यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या बात कर रहा है इसके बारे में. ये कह रहे हैं कि यार आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट बना लो आप, ये आप लोगों ने करना है भाई दादा. और कह रहे हैं कि ये बना लिया था. अच्छा, बना लिया तो अच्छी बात है. इसने कहा द रूम इज़ लिट, एक लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि रूम जो है वो क्या है, रोशन है. और जाहिर है उसमें क्लास नेम इन्होंने लगाया हुआ है रूम, तो बैकग्राउंड कलर वाइट वाइट कुछ किया हुआ है ऑब्वियसली. उसके बाद कह रहे हैं कि मेक अ स्टेटफुल कंपोनेंट, ये स्टेट बन गई. तो ये कंपोनेंट अब क्या हो गया, स्टेटफुल कंपोनेंट हो गया. ये स्टेट क्या हो गया, स्टेटफुल कंपोनेंट. अब इसकी एक स्टेट होगी, मेरे कंपोनेंट की एक हालत होगी. जाहिर है रीलोड करने से वो ख़त्म हो जाएगी हालत. इसका मतलब यही है कि रीलोड किया मैंने तो वो स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वह एक प्लेन वेरिएबल ही है, जस्ट वो कनेक्टेड है कंपोनेंट के री रेंडरिंग से. तो इसने कहा भाई ऐसे करके एक वेरिएबल बना लो, उसमें बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखवा दो, ट्रू. ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट में ट्रू, या एम्प्टी ऑब्जेक्ट, या एम्प्टी स्ट्रिंग, या एम्प्टी एरे,
या कोई 5, 10 कुछ भी रखवा सकता हूँ मैं इनिशियल वैल्यू. इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी कि मैं इनिशियल वैल्यू उसमें क्या रखवाना चाहता हूँ. अच्छा, इसको अब ये ब्रेक डाउन कर रहा है स्टेट को कि यार स्टेट वेरिएबल जो है वो असल में चलता कैसे. तो आप इसको इस तरह से अगर लिखेंगे तो भी चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा. मिसाल के तौर पर स्टेट कॉल किया, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, और रिएक्ट डॉट यूज स्टेट में ट्रू दे के पास किया, तो इसने मुझे क्या दे दिया, दो इंडेक्सेस का एक एरे दे दिया, वो इसमें आ गया स्टेट में. अब इसने कहा भाई इंडेक्स 0 जो है वो इज लिट में रखवा दो, इंडेक्स 1 जो है वो सेट लिट में रखवा दो. और इसी को शॉर्ट में अगर मैं करूँगा तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं इस तरह से करूँगा. ये सेम काम हो रहा है ES6 में शॉर्टकट के तरीके से हो रहा है. ठीक है, कह रहा है यूज स्टेट को आप ऐसे करके भी इम्पोर्ट करा सकते हैं इस तरह से, हमने इसी तरह करवाया है. ठीक है, डी स्ट्रक्चर करके. तो मुझे रिएक्ट डॉट यूज स्टेट नहीं लिखना पड़ रहा, डायरेक्ट यूज स्टेट लिख रहा हूँ. ठीक है, कह रहा है फिर ऐसे करके लिख दें आप उसको, डी स्ट्रक्चर कर दें. मतलब ये वाली जो लाइन थी ना इसकी, ये 3 लाइन इसका कोड इसने यहाँ पे 1 लाइन में करवा दिया. अब ये स्टेट कैसे काम करता है वो अभी जैसे मैंने आपको बताया वही इसमें बता रही है. ठीक है, रेंडर बेस्ड ऑन स्टेट. राइट नाउ द कंपोनेंट वर्क्स द सेम एज बिफोर बट वी हैवंट चेंज एनीथिंग इन एक्चुअल JSX दैट्स बीइंग रेंडर्ड. लेट्स हैव रेंडर डिफरेंटली बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ लाइट. चेंज डिव टू दिस. कह रहे हैं कि आप अपने डिव में जाओ और यहाँ पे ना ऐसे करके लगा दो. आप करके देखते हैं ये वाला काम. ये एक तो सारा सामान बना हुआ है, इसको बना रहने देते हैं. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, BR लगाता हूँ 2 अदद. ठीक है, और BR लगाने के बाद क्या करता हूँ, एक डिव बना देता हूँ और मैं कहता हूँ कि रूम इज लिट. सही है. अब ये लिट वाले पार्ट को कह रहा है ना कि आप बना दो इसको कंडीशनल. अच्छा, ये लिट की स्टेट भी ऊपर बना लेता हूँ ज़रा मैं. स्टेट 1, 2, 3 कुछ भी बना सकता हूँ मैं. ठीक है, इज लिट. अच्छा, इज वेरिएबल के नाम से पहले लगाओ तो इसका क्या मतलब होता है, ये बूलियन है. ठीक है, सेट लिट. और शुरू में इसमें क्या रखवा दिया मैंने, ट्रू रखवा दिया. फॉल्स भी रखवा सकता हूँ, कोई भी वैल्यू रखवा सकता हूँ. तो मैंने कहा कि भाई इज लिट अगर ये है तो क्या रिटर्न करना है आपने, लिट करना है, अदरवाइज डार्क. सही है, रूम इज लिट, रूम इज डार्क. तो अब देखो होगा क्या, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी रूम इज लिट लिखा हुआ है क्योंकि इज लिट में ट्रू है. ये जो टर्नरी ऑपरेटर है जब ये कंपाइल होगा तो टर्नरी ऑपरेटर को एग्जीक्यूट मारेगा, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिट निकलेगा. सही है, तो कुछ इस तरह बन जाएगा ये जब रन टाइम पे, जब रन होगा तो कुछ इस तरह बन जाएगा ये. तो देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता. तो रूम इज लिट लिखा हुआ आ गया, परफेक्ट. अच्छा, अब मुझे एक बटन, जैसे ये प्लस बनाया हुआ है मैंने, इसी तरह मैं एक बटन बनाऊंगा और उसको मैं टॉगल करूंगा. राइट, एक बटन मुझे यहाँ पे चाहिए होगा और जिसका चेंज थीम, सही है, समथिंग लाइक दैट. चेंज थीम करूंगा मैं और ऑन क्लिक पे मैं उसको बोलूंगा कि चेंज थीम. सही है, नाम दूंगा सिर्फ फंक्शन का और ये फंक्शन मैं कहाँ बना दूंगा, चेंज थीम बना दूंगा इक्वल्स टू. अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखें आप, ये फंक्शन भी अब मुझे कहाँ बनाना होगा, ये फंक्शन भी मुझे कंपोनेंट के अंदर बनाना होगा. उसका रीज़न पता है क्या है, रीज़न उसका ये है कि अगर मैं ये फंक्शन मैं कंपोनेंट से बाहर बनाऊंगा तो मुझे मिल तो जाएगा, लेकिन ये सेट डेटा मुझे उसमें बाहर नहीं मिलेगा. सेट डेटा मुझे फंक्शन के, ये कंपोनेंट के फंक्शन के अंदर मिलेगा. तो इसलिए मैं इसको चेंज करने वाला फंक्शन मैं कंपोनेंट से बाहर नहीं रख सकता. ठीक है, तो चेंज थीम में आके मैं बोलता हूँ कि भाई सेट लिट जो है उसको क्या कर दो, आप लिट में जो कुछ भी है उस पर नॉट लगा के यहाँ पे सेव करा दो. लिट में अगर ट्रू था तो नॉट लगाने से फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होगा तो नॉट लगाने से ट्रू हो जाएगा. तो ये टॉगल, ये एक्चुअली मैं टॉगल करवा रहा हूँ. तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ. भाई क्या हो गया, लिट इज़ नॉट डिफाइंड. अच्छा, इज लिट था ना ये तो. सही है, रिफ्रेश. देखो चेंज थीम में चेंज हो रहा है ये. ठीक है, अब इमेजिन करो इसको मैंने प्लस किया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 कर दिया इसको मैंने. जैसे ही मैं चेंज थीम करूँगा ना वो भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि चेंज थीम का बटन दबाने से री रेंडर होता है, स्टेट के वेरिएबल चेंज होने से री रेंडर होता है ये.
अच्छा तो ये रूम इज लेट रूम इज डार्क जो है वो मेरा डिस्प्ले हो गया, कंडीशनल एक लाइन मैंने लिख दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका एक क्लास बना दूँ, यहाँ पे मैं पूरी पूरी उसका एक क्लास बना दूँगा। इन्होंने हाँ ये इन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है, देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया हुआ है। इसने कहा कि भाई ये जो है ना क्लास नेम, अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट पे इन्होंने ये जिक्र किया है कि आपने ऑन क्लिक के ऊपर कॉल सिग्नेचर नहीं देना है, ठीक है। आपने ऑन क्लिक पे या तो पूरा फंक्शन बना दोगे आप, या तो पूरा का पूरा फंक्शन आप बना दोगे ऑन क्लिक पे, और या तो आप फंक्शन का नाम दोगे जस्ट, ठीक है। आपने फंक्शन लगा के कॉल सिग्नेचर नहीं पास करना है, इस तरह से नहीं होगा, सही है। वापस आते हैं और यहाँ पे क्लास नेम के ऊपर आके, क्लास नेम में कैसे दूंगा, ऐसे करके दूंगा। तो अब मैं इसको कंडीशनल बना सकता हूँ ना, लेकिन उससे पहले मुझे दो क्लासेस बनानी होंगी। ऐप डॉट सी एस एस में आता हूँ मैं, पहले से मौजूद तमाम चीज़ों को उड़ा देता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ कि लिट और एक कह देता हूँ डार्क, ठीक है। अच्छा लिट मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट वो लिट है, तो मैं सिर्फ डार्क ही बनाऊँगा। और मैं वो बैकग्राउंड कलर वो उठा लेता हूँ उससे, कहाँ पर बनाया था मैंने, यहाँ पर बनाया था ना, कहाँ गया मेरा सी एस एस, ये था ना मेरा डार्क का कंपोनेंट जो मैंने वहीं पे बना दिया था। सही है, डार्क की मेरी क्लास बन गई। तो मैं अब क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई अगर इज लिट अगर है, ठीक है, नॉट इज लिट अगर, तो क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे डार्क दे दो, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग। करेक्ट। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, बाई डिफॉल्ट जब ये लिट रहेगा, जैसे ही क्लिक करूंगा ये डार्क हो जाएगा, ये कंपोनेंट पूरा का पूरा, सही है। इस कंपोनेंट से बाहर की चीज़ों की बात नहीं हो रही है, तो ये कंपोनेंट पूरा जो है वो क्या हो गया, क्लिकेबल हो गया। नहीं, ओवरऑल बॉडी को नहीं करेगा ये, सिर्फ अपने हर कंपोनेंट अपने बाउंड्री तक का जिम्मेदार होता है, उसके बाहर क्या हो रहा है वो उसको नहीं पता। ऐप कंपोनेंट जो अभी उस पर आते हैं, अभी वो कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। पूरे असल में ना कभी भी पूरे पे कुछ भी नहीं हो रहा होता, पूरे पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। अगर मुझे पूरे पे कोई स्टाइलिंग लगानी है, मिसाल के तौर पर मुझे बाई डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड को ब्लैक रखना है, तो मैं वो इंडेक्स डॉट जे एस में, इंडेक्स डॉट सी एस एस में आके वो काम लिख दूंगा। देख रहे हो उसने बॉडी पे मार्जिन जीरो करना था, तो वो इंडेक्स डॉट सी एस एस पे इसने करवा दिया वो काम पहले ही, ठीक है। तो जो काम बाई डिफ़ॉल्ट वाला होता है ना कि पूरे पे करना है, वो यहाँ लिख देते हैं हम एक दफ़ा लाके, क्योंकि ये कभी भी अनलोड नहीं होता ये वाला पार्ट, ये हमेशा लोड रहता है, लोडेड रहता है ये। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि भाई बॉडी का कलर कुछ कर दो, ठीक है, बॉडी करके भी करवा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉइंट मेरा ये है, आमतौर पर ना पूरे पे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ अपने अपने में रह के करते हैं तो काम हो जाता है हमारा। अच्छा जी, तो ये हमने स्टेट को पढ़ लिया। स्टेट में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो अभी तक हमने बात पढ़ी। तो फिर वो कर देंगे, लाइक वाला बटन, हाँ हाँ यस दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपने पास एटलीस्ट कोई ऐसी चीज़ बना, अभी यहाँ पे योर टर्न पे ना वो आ जाएगा, ठीक है। इसने ये देखो तीन बनाया हुआ है, HTML बॉडी पे ऐसे करके 00 किया है इसने, ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसने भी एक ऐप बनाई हुई है कि वो प्लस से जो है ना इंक्रीमेंट होता है, प्लस से डिक्रीमेंट होता है, योर टर्न। तो ये योर टर्न वाला काम आपने लाजमी करना है, ऐड टू बटन ऑफ एंड ऑन, टर्न द लाइट ऑन डिपेंडिंग ऑन विच बटन इज क्लिक्ड। वो असल में एक फ़ोटो होगी जो कंडीशनली स्वैप हो रही होगी, एक जले हुए बल्ब की और एक बुझे हुए बल्ब की, ठीक है। ये वो काम हो गया आपका। अनदर पीस ऑफ स्टेट, रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर लिखा हुआ आ रहा होगा कि भाई 22 डिग्री सेल्सियस पे रूम है इस वक्त, थर्मोस्टेट एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, प्लस करूँ तो प्लस हो, माइनस करूँ तो माइनस हो, ठीक है, वो ऊपर नीचे हो, ठीक है। काउंटर है काइंड ऑफ, जो तुम कह रहे हो लाइक का बटन, ठीक है। इसी तरह प्लस माइनस का बटन हो, और एक उसको इंक्रीज करे एक को डिक्रीज करे उसको, सही है, ये वाली बात आ गई। तो ये दो ऐप्स हैं, एक ऑन ऑफ लाइट ऑन ऑफ और एक काउंटर को प्लस माइनस, ये दो ऐप्स इसने बोला है कि भाई आपने बनानी है, और ये आपने सब लोगों ने ये बनानी है, ताकि स्टेट पे आपका हाथ सेट हो जाए कि स्टेट काम क्या करता है। अच्छा, अब अगली चीज़ है हमारे पास फैच डेटा विथ रिएक्ट।
कि रिएक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम इंटरनेट पर रिक्वेस्ट कैसे लगाएं, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, लेकिन दो मिनट स्पेयर करके अब आप सब लोगों ने क्या करना है, अपने अपने कंप्यूटर में एक नई रिएक्ट की ऐप बनानी है, और एटलीस्ट ये काउंटर वाला काम आप करें, ये बहुत ही ईजी है, जो मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया, ये काम करें आप लोग, फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। इंटरनेट से डेटा फैच करना कैसे करेगा वो काम, वो देखते हैं।